दोस्तों ये एक फल है, आपको शायद इसके बारे में ज्ञान नहीं होगा। ये देखिए बढ़ल है, इसका शेप नहीं होता है, अजीब सा इसका शेप होता है, लेकिन ये अभी कच्चा है, ताज़ा टूट के आया। देखिए दूध लगा हुआ है और इस पे ये सिंदूरी कलर का हो जाएगा पकने पर, और खट्टा मीठा रहता है, बहुत टेस्टी होता है दोस्तों। ये देखिए ताज़ा टूट के आया है, तो इसमें भी पत्ता भी लगा हुआ है ये, और ये एक विलुप्त होता फल है, और इसको आप संरक्षण दें, नहीं तो धीमे धीमे ये बस फोटो में कागजों में वीडियो में बचेगा फल। इसका संरक्षण देना आवश्यक है, इस फल को कहीं भी लगाइए, अपने बाग बगीचे या फिर कहीं भी या जगह हो, सोशल फॉरेस्ट्री में कहीं भी हो तो लगाना आवश्यक है, ताकि ये जो है फल बचाया जा सके। अभी देखने को बहुत कम मिलता है, और ये विलुप्त होता एक फल है, ये कहीं से मैंने मंगवाया है, कहीं पेड़ लगा था वहाँ से टुटवाया है। तो दोस्तों इसको आप बड़ा सहज के इस फल की प्रजाति को रखना है, कॉमर्शियल खेती इसकी नहीं होती है, ये बाज़ार में भी कभी कभी बिकने आता है, लोग पर्सनली बेचने आते हैं। यदि कोई बेचने आए और आप 60 रुपये किलो बोलता है तो आप 60 रुपये किलो उसको खरीद लें, क्योंकि आप एक ही किलो खरीदेंगे, अगर वो उसको कहेंगे नहीं 40 में दो 30 में दो, तो वो आदमी आइंदा फिर फल नहीं लाएगा, नहीं बेचेगा। तो इस फल को बढ़ावा देना है कैसे भी दोस्तों, और इस फल का पेड़ लगाना बहुत आसान है। इस फल के अंदर जो पक जाएगा एक वाइट कलर का बीज निकलेगा, उसको आप बो दीजिए किसी गमले में, किसी डब्बे में या ज़मीन में, तो उससे पेड़ निकल आएगा, वो जो है बहुत ही बड़ा हो जाएगा और वो बहुत अच्छा आएगा और फल उसमें देने लगेगा वो। तो दोस्तों बहुत आवश्यक है कि आप इसको बढ़ावा दें, हम इसको बढ़ावा दें, गवर्नमेंट को भी चाहिए इसके पेड़ को लगाने में सहयोग करें, कोई एक पेड़ लगाता है तो उसको भी सब्सिडी दी जाए, और इस पेड़ का संरक्षण अति आवश्यक है, वरना कुछ समय बाद ये पेड़ विलुप्त हो जाएगा। ये बढ़ल इसको बोला जाता है, बहुत ही खूबसूरत ये फल है और बहुत कम देखा होगा, नई जनरेशन इसको जानती नहीं है, इसलिए दोस्तों इसके लिए आवश्यक है कि हम इसको बढ़ावा दें। नमस्कार।